नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। त्योहारों को लेकर लखनऊ के बाजारों में उत्साह देखने को मिल रहा है। शहर के सभी बड़े बाजारों में अच्छी खासी चहल पहल दिखाई दे रही है। लोग घरेलू सामान, कपड़े, आभूषण, सजावटी सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ऑटोमोबाइल सहित और मिठाइयों के सामान की खरीदारी भी कर रहे हैं। दीपोत्सव पर सबसे ज्यादा दीपकों की खरीदारी होती है और इन तमाम तैयारियों को लेकर प्राइम टीवी की टीम ने आम जनता से जाना कि क्या कुछ खास उनकी तैयारी है इस बार की। आज हम पहुंचे हैं लखनऊ के डालीगंज में, जहां हम जानेंगे कि दियों के रेट क्या हैं और इसके अलावा दिवाली के मौके पर और कौन कौन से मिट्टी के खिलौने जो पसंद किए जाते हैं, जिनको लोग लेने आते हैं। तो हम पहुंचे हैं दुकान पे। जी, आपका नाम क्या है दादा? मोहम्मद हसीन। अच्छा, तो आप ये दुकान कब से लगा रहे हैं? ये हमारी हो गई कुछ 45 साल। 45 साल तो लगभग आपका ये मिट्टी का काम है या फिर आप इसे कहीं से लेकर आते हैं? ये मिट्टी का काम ये हमारा है, बिजनेस हमारा ये, हम इसको कारीगर से बनवाते हैं या बड़े फ्रॉक बेचते हैं। तो लगभग जैसे कि हमने आपकी दुकान में देखा कि ये कुछ अलग चीज दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये किस लिए? ये भोपू होता है, ये इसको भोपू बोलते हैं। ये वाल्मीकि समाज जो है इसको पूजा में इस्तेमाल करते हैं जी, और ये भैया दूज में इस्तेमाल होता है ये सब जी जी। और जैसे कि ये बर्तन है और इनका लगभग रेट क्या रहता होगा? रेट तो ज्यादा नहीं रहता है, बर्दी तो खत्म है। और मिट्टी के बर्तनों में आप लोगों का कितना मार्जिन होता है या कुछ बचता है कि नहीं? बस ऐसे ही होता है कि बस दाल रोटी चलती रहती है धीरे 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 धीरे। तो जैसे कि त्योहारों में तो ये बर्तन काम आ जाते हैं, उसके बाद आप लोगों का क्या काम होता है? उसके बाद फिर गमला वगैरह चलता है। मतलब हर मौसम में जब मौसम बदलता है तो आइटम बदलता रहता है। जैसे कि अभी इस वक्त है ये दिए वगैरह चल रहे हैं, इसके बाद में गमला वगैरह चलेगा ठंडक के मौसम में, उसके बाद में गर्मी में घड़ा, सुराही, मटका, ये सब चलता रहता है, ये सब चलता रहता है, ऐसे ही चलता है। जैसा कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी का ये कहना है कि स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए और इस बार लाइटों की जगह दीपकों से दिवाली रोशन की जाए, तो हर साल के मुकाबले इस बार आपको क्या लग रहा है कि मतलब बढ़ोतरी होगी, खरीदारी में कितना मुनाफा होगा, कितनी बढ़ेगी, या पिछले साल इसका कितना मतलब रहा था कि कितने प्रतिशत आपकी खरीदारी में आपको मुनाफा हुआ था? इस साल के हालात हमें अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हम अपनी राय बता रहे हैं, हमें अच्छे नहीं दिख रहे हैं साल के हालात, क्योंकि अभी नवरात गया है, नवरात भी ठंडा गया, उसके बाद करवा चौथ हुआ वो भी ठंडा गया, अब दिवाली का ऊपर वाली वाली। और अगर हम अभी की बात करें कि आपका अब तक मतलब आज जैसे कि अब एक दिन बाद, बीच में एक दिन है और उसके बाद धनतेरस आ जाएगा, दिवाली का त्यौहार आ जाएगा, तो अब तक आपका कितना मतलब बिक्री हुई है दुकान? बिक्री जैसे रोज होती है, अब तो वैसे ही हो रही है, बस ये धनतेरस में और छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, इसमें थोड़ी दुकानदारी बढ़ जाती है। अच्छा, जैसे कि ये मिट्टी के बर्तन हैं तो इनको बड़े आहिस्ता से उठा के रखना होता होगा और जरा से भी रखते हैं तो ये टूट जाते हैं, और जब टूट जाते हैं तो इसमें जाहिर सी बात है कि काफ़ी नुकसान होता होगा, तो उसकी भरपाई मतलब अपनी जेब से? भाई अपनी जेब से तो नहीं होती है, लेकिन अब इसी में तो निकालना पड़ता है। अब जैसे कि एक एक दिए पर 5वें का मार्जिन लेके चल रहा है, अब अगर टूट गया तो 5 के बेचते हैं, उसमें एक एक जो 5 का मार्जिन है वो 2 का हो जाता है, फिर 1 का हो जाता है, बस यही मार्जिन रहता है। वो हमने बताया आपसे कि बस दाल रोटी चलती रहती है। सरकार से आपकी क्या वो है कि जैसे कि इस बार ये भी है कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो फ्री मुफ्त का राशन देंगी, राशन तो बहुत दिन से दे रहे हैं, तो आप लोगों को इसका मुनाफा मिलता है कि नहीं? राशन तो बहुत दिन से दे रहे हैं, राशन दे रहे थे, इधर राशन बंद कर दिया उन्होंने हमारा, पता नहीं क्यों। अब अच्छा, अब जैसे कि दीपावली के अवसर पर उन्होंने ये कहा, अभी उन्होंने कहा था कार्ड जमा कर दिए, हमने कार्ड जमा कर दिए, उसमें पेपर में निकला था, हमने कार्ड जमा कर दिया, उसके बाद में पता नहीं क्या उन्होंने राशन बंद कर दिया, हमने कोई बात नहीं, क्या करेंगे। अच्छा, मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट की सारी स्कीमों का नॉर्मल इंसान की, जो नॉर्मल दर्जे का इंसान है उसकी जेब पर असर पड़ता है। हम दुकानदार आदमी हैं, हम दर्जे का दौड़ नहीं सकते, हम दुकान छोड़ कर जाएंगे राशन कार्ड बनवाने के लिए तो हमारा टाइम ही नहीं है, और जब तक वहाँ 10 चक्कर जाइए तो कोई काम होता नहीं है, इसलिए
बस जो है ठीक है, नहीं है तो ठीक है। जैसा कि अब तक हमने देखा कि त्योहारों के सीजन में सिर्फ दिए ही नहीं बल्कि दियों के साथ साथ मिट्टी के कई ऐसे खूबसूरत हमने बर्तन और मूर्तियां देखी, जिनको देखकर ये लगा कि अगर कला है, स्वदेशी कला इतनी सुंदर है, तो क्यों ना इसी का इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि अभी हमने यहाँ चलते चलते ये देखा और ये शिवजी बने हुए हैं और ये मिट्टी का ऐसा बर्तन है, खूबसूरत सी शिवजी की प्रतिमा है कि इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, टांग सकते हैं। तो स्वदेशी चीज़ों में कुछ बात ही अलग है। तो आइए हम बात करते हैं जैनब से कि जैनब ये खुद बनाती हैं कि कहीं से लेके आती हैं। तो जैनब, जितनी भी ये मूर्तियां हैं या जितने भी जो दिए हुए लगे हैं, ये आप लोग खुद बनाते हैं कि कहीं से लेके आते हैं? हम लोग खरीद के लाते हैं, मम्मी लोग मेरी बैठती हैं, हम नहीं बैठते हैं। अच्छा। तो जैसा कि हर साल दिवाली में कितना मुनाफा होता है, कितनी बिक्री होती है और इस बार के क्या हैं? इस बार के अब देखिए क्या चल रहा है। अगर बीते सालों की अगर हम लोग बात करें तो बीते सालों में आप कब से यहाँ पे ये दुकान लगा रही हैं? हम तो यहाँ 3-5 साल हो गए जब से लगा रहे हैं यहाँ दुकान। जैसा कि हम सभी ने देखा कि झालरों से और दिवाली पे त्योहारों में इन सजावटों से पूरा मार्केट जगमगा उठा है। तो चलिए आइए बात करते हैं हम यहाँ आईटी चौराहे पर दुकानदारों से कि क्या कुछ नया आया है और क्या कुछ खास है। मैम, आप क्या लेने आई हैं यहाँ पे? मतलब मैं तो झालर देखने आई हूँ, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत अच्छी झालर। लगभग ये रहता है कि दिवाली में हर साल ये झालरों से घर सजाया जाता है कि अभी हमने जाना इन मैम से कि ये झालर लेने आई है और झालर से बखूबी ये स्वदेशी आइटम से अपने घरों को सजाएंगी। तो आइए हम बात करते हैं और लोगों से कि इस बार दिवाली पे क्या कुछ खास लेने आए। तो सर, आप बताइए कि आप इस बार इस दिवाली पर कितना स्वदेशी सामानों को प्रमोट करेंगे? जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही कहना है कि इस दिवाली स्वदेशी सामान को हम लोग ज़्यादा खरीदें। इसी बार नहीं मैडम, ये जब से मोदी जी ने जो है पिछले 4-5 वर्षों से जब से जो है इसके लिए लोकल फॉर वोकल उन्होंने कहा है, तब से हम लोग दीपावली के नहीं किसी भी त्यौहार में हम लोग लोकल चीज़ें ही खरीदते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे आसपास के लोग जिन चीज़ों को बनाते हैं, गांव घर के लोग बनाते हैं, उनको 2 पैसे का फ़ायदा हो और उनसे जो है बहुत ज़्यादा रेट के लिए भी हम लोग ये नहीं करते हैं और यही चाहते हैं कि उनको जो है 2 पैसे का फ़ायदा हो, अर्थव्यवस्था में वो भी जो है भागीदार हों और उनको भी जो है उसका लाभ मिले। तो इसलिए हम लोग इसलिए प्रयास करते हैं कि जो भी लोकल चीज़ें हों वही हम खरीदते हैं, चाइनीज चीज़ें नहीं खरीदते, उसका बायकॉट करते हैं। तो पिछले साल आपने कितना स्वदेशी सामान को प्रमोट किया था? क्या स्वदेशी, जैसे कि लाइटें, हम लोग हम दिवाली का त्यौहार है तो घरे लाइटों से जगमगा जाते हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा, आपकी क्या राय है? पहले जो है ज़्यादातर मार्केट में जो है चाइनीज़ लाइटें ही आया करती थी, लेकिन जब से मोदी जी ने इसके लिए प्रमोट किया है तब से जो है लाइटें आने लगी हैं इंडियन मेड, थोड़ी महंगी पड़ती हैं लेकिन वो ड्यूरेबल भी है। चाइनीज़ की चीज़ तो चली, नहीं चली तो नहीं चली, ख़त्म हो गया, चाहे वो लाखों की हो चाहे 1 रुपए की हो, इंडियन चीज़ें कम से कम चलती हैं। तो इसलिए हम लोग लाइटें भी जो खरीदते हैं वो वही खरीदते हैं, इंडियंस वाली ही। और पिछली बार कम से कम हम लोगों ने जो है दीपावली पे 5-7 हज़ार रुपये की जो है लाइटें और ये सब दीपावली का सामान वगैरह जो भी परचेज़ किया था सब हमने इंडियन ही खरीदा था, लोकल ही खरीदा था। सभी त्यौहारों पर हम लोग यही सब करते हैं। जैसे इस बार क्यों ना कि लाइटों की जगह हम दीपकों से, दियों से इस दिवाली को रोशन करें कि जिसमें उनका जो लोग दिए बनाते हैं उनका फ़ायदा हो सके। हमने जो है 400 दीपक खरीद के घर में रखा है, वो इसीलिए रखा है कि वो जो है, और हर साल आज से नहीं, तेल का दीपक जलाते हुए मेरे करीब 20 साल से अधिक हो गया, मैं कैंडल नहीं जलाता हूँ, 20 साल से मैं तेल का ही दीपक जलाता हूँ। और बड़े खुशी की बात है कि जब से अयोध्या में हो गया हर साल एक नया रिकॉर्ड से रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है और हम तो चाहेंगे कि अयोध्या जैसी जो नगरी में जो होता है दीपोत्सव पूरे देश में हो। और इस साल तो हम लोग को ज़्यादा उल्लास है कि हमारे यहाँ जो है राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है और हम लोग जो है वहाँ पे दर्शन करने के लिए बहुत उत्साहित हैं और बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया था, जिस समय जो है इनके लिए धन इकट्ठा किया जा रहा था तो बढ़ चढ़ के हम लोगों ने हिस्सा लिया था। एक बार तो श्रमदान करने के लिए भी गए थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर जाना नहीं दिया गया हम लोगों को, तो हम लोग वापस चले आए थे। तो जैसा कि आप सभी को रहा है कि इस बार स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए लोग बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं, तो चलिए जानते हैं मैम से कि मैम की क्या राय है। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है कि हम लोग
दिया का यूज़ करें, मिट्टी के तेल का, मिट्टी के चीज़ों का यूज़ करें और जो है चाइनीज़ चीज़ों का यूज़ नहीं करें। मोदी जी के आने से हम लोग को बहुत खुशी है और देश को बहुत बदल दिया उन्होंने, बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने। हम लोग उनके साथ हैं, वो हम लोग साथ हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सोच को तो हमें खुद ही बदलना रहता है ना, नेता चाहे जैसा हो अगर हम सोच बदल लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि घर की गृहिणियों का दिवाली के त्यौहार में काफ़ी ज़्यादा अहम भाग होता है, रोल होता है, तो आप इस बार दिवाली पे लाइटें ज़्यादा जलाएंगी कि दिए ज़्यादा जलाएंगी, स्वदेशी या विदेशी? देश स्वदेशी देसी जलाएंगे, सबसे ज़्यादा दिए जलाएंगे और लाइट हम लोग वो कम यूज़ करते हैं, सिर्फ दीपक ज़्यादा जलाते हैं, दीपक से ही सारा घर सजाते हैं दिया जला के, और हमेशा सजाएंगे और सजाते आए हैं हम लोग। तन देश का मन देश का, तो फिर क्यों इस बार दिवाली पर समान क्यों ना हो स्वदेश का? तो चाहे आज के हम स्वदेशी मामलों में स्वदेशी सामान की कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी है लोगों में, जनता में कितनी ज़्यादा मांग है इसको लेकर, तो आज हम पहुँचे हैं लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में और जानेंगे यहाँ पर जनता की राय कि इस बार स्वदेशी का कितना है प्रचार। जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि स्वदेशी चीज़ें, वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करना है, तो चलिए जानते हैं जनता से उनकी राय। तो अपने देश का ही सामान लेंगे, उस वही प्रेफर करेंगे कि अपने देश का ही सामान लिया जाए। जैसे दिया वगैरह है तो हम लोग उसी का, मिट्टी के ही दिए लेंगे। मोमबत्ती वगैरह अपने देश में नहीं चलता है, मिट्टी का ही चलता है, तो मिट्टी का ही लेंगे। और इस बार दिवाली पे क्या कुछ खास करेंगे ट्रेंड के हिसाब से, कि जैसी बहुत सारी झालर आती हैं, दिए आते हैं, झालर से, फूल से, इसी से अपने घर डेकोरेट करेंगे, अपने मिट्टी के दिए से करेंगे। मतलब इस बार जनता की राय है कि वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी सामानों को इस बार प्रमोट करना है इस दिवाली में। हाँ हाँ वही चीज है, स्वदेशी सामानों को इतना ज्यादा यूज करना और इनका इतना ज्यादा प्रचार प्रसार करना, इसमें आप क्या सोचते हैं कि इसका क्या है, मतलब ये किस लिए इतना अच्छा है? अपने देश का सामान हम खरीदेंगे तो देश अपना आगे बढ़ेगा, और विदेश का खरीदेंगे तो विदेश आगे बढ़ेगा। तो हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने देश का ही सामान खरीदेंगे कि जो हमारा देश आगे बढ़े। हमारी जो छोटे छोटे वो हैं, जो दिया बेच रहे हैं, झालरें बेच रहे हैं, वो आगे बढ़े। तो जैसे कि हमने जाना कि यहाँ सबकी राय है कि हम अपने स्वदेशी सामानों की जो है बढ़ोतरी उन्हें ज़्यादा करें, तो चलिए जानते हैं और लोगों से राय कि उनकी क्या राय है। जैसे कि स्वदेशी सामान को इस बार प्रधानमंत्री मोदी का कहना है, मोदी जी का कहना है कि वोकल फॉर लोकल को जनता सपोर्ट करे, तो आज हम ग्राउंड पर उतरे हैं तो हमें जनता की राय जाननी है। आपकी क्या राय है कि वोकल फॉर लोकल को कितना सपोर्ट करेंगे इस बार, स्वदेशी सामानों को कितना प्रमोट किया जाएगा? देखिए, अपने देश वाला सामान को हम सपोर्ट रखेंगे, विदेशी सामान को बिल्कुल सपोर्ट नहीं रखेंगे। जो हमारे देश में सामान बना हुआ हो सबसे बेस्ट है, अच्छा है। हाँ, विदेशी सामान बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, वो मेरे लिए, मेरे सेहत के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। तो इस बार आप स्वदेशी सामानों में क्या लेने वाली हैं, इस दिवाली पर क्या कुछ खास करने वाली है? अरे खास करने वाले हैं, जैसे कोई टीवी ले लिया, कोई फ्रिज ले लिया, बर्तन ले लिया, मूर्ति ले लिया, कपड़ा ले लिया, सब कुछ लेना है। जैसे हर बार हम लोग जो जगमगाते हैं अपने घर को लाइट से, तो इस बार घरों में क्या कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा? जैसे अयोध्या में हमने हर बार देखा है, हम लोग दीपक ही जलाते हैं, दीपक ही जला करके अपना पूरा जो है बढ़िया से करेंगे, जगमगाएंगे हैं। जैसे कि ज़्यादा बिक रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है, वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी कहना है कि इस बार वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट किया जाए। तो आपने अभी यहाँ से कुछ सामान लिया है, तो कितना स्वदेशी सामानों को सपोर्ट कर रही हैं और उन लोगों की मदद के लिए कितना आगे बढ़ रही हैं जो बड़ी मजदूरी करके, मेहनत करके दिए बनाते हैं? नहीं, ऑफकोर्स हम लोग तो यही चाहते हैं कि जितनी भी चीज़ें जो हमारे देश में, वैसे भी गरीबी बहुत है, तो हम यही चाहेंगे कि हर कोई, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, शो ऑफ ना करके जितने भी बेचारे पुअर पीपल हैं जो इतनी मेहनत से अपना बना रहे हैं, हम उनके ज़रिए चीज़ों को लें ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो और हमारा भी काम हो जाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी दिवाली का ही आप बता रहे हो, हम कैंडल्स जलाते हैं और बहुत सारे चाइनीज़ लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं। बिसाइड ऑफ दैट, हम आराम से इनकी दिए ले करके, मिट्टी के दिए जो इतनी मेहनत से ये बना रहे हैं, हम उन्हें ले करके अपने घरों को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। जो पहले होता था यही, अब प्रेजेंट टाइम में है कि लोग बहुत शो ऑफ में चले जा रहे हैं, तो मेरा तो यही मानना है। अच्छा, जैसे कि दिए के अलावा भी और किन किन स्वदेशी चीज़ों का इस बार आप इस्तेमाल करेंगे, इस दिवाली में क्या कुछ खास करेंगे स्वदेशी सामानों से? क्या ड्रेसिंग का है,
ड्रेसिंग भी हम लोग ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो हम लोग नॉर्मल जेंट्स हैं वो धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा है, लेडीज़ हैं साड़ीज़ डालेंगे, बच्चों को भी वैसे ही यूजुअली जैसे लहंगा हुआ या फिर जो भी कुर्ती हुआ, बॉयज़ को भी है कुर्ता पैजामा। ड्रेसिंग सेंस भी हम अपना पूरा ट्रेडिशनल जो हमारा कल्चर है हम उसी हिसाब से करेंगे। एंड स्वीट्स में तो वो तो सभी लोग अपना, हम लोग अपना देश का जो है स्वीट्स हम लोग वही बनाते हैं वही खाते हैं। बाकी अगर ट्रेंड की बात करें और दिवाली की बात करें तो इस बार दिवाली में क्या कुछ खास है, और जैसा कि नॉर्मल लोगों की जेब पे थोड़ा असर पड़ेगा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, उस पर आपका क्या कहना है? अब उस पर क्या बोल सकते हैं, महंगाई बढ़ रही है बट लोगों का खर्चा जो भी है सब लोग अपना फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करेंगे ही। जैसा कि सर इस बार हम देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी वोकल फॉर लोकल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और जनता में भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है युवा पीढ़ी के साथ साथ हर वर्ग के लोगों में ये है कि इस बार स्वदेशी सामानों को ज़्यादा यूज़ करना है, उन्हें ज़्यादा अपने काम लाना। तो आपकी क्या राय है? मैं तो प्रेफर ही करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोकल सामान प्रेफर करता हूँ, और जैसे मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं इस चीज़ को, और मैं चाहता हूँ हर भारतीय इस चीज़ को प्रमोट करें और इस चीज़ पे मतलब अटल रहे कि वो लोकल सामान ही, जो इंडियन जो सामान है वही वो ले। सिर्फ ये जो वोकल फॉर लोकल का है ये सिर्फ त्योहारों के समय ही रहेगा कि जनता के अंदर ये बात भी रहे, बाद में भी रहेगा? जैसे कि हम कई सामानों में कुछ लोगों में देखा है कि हम लोग बार्गेनिंग बहुत कराते हैं लेकिन जहाँ नहीं करानी चाहिए वहाँ भी, तो क्या ये सही है कि नहीं? हाँ, बार्गेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चीज़ गलत है कि मतलब जैसे बार्गेनिंग कराते हैं तो अगर आप मतलब इंडियन है प्रॉपर तो वो मतलब आपको बार्गेनिंग उस हिसाब से नहीं उतना नहीं करवानी चाहिए, और सामान उसी हिसाब से लेना चाहिए जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे। और तो आप इस बार दियो से दीपावली जगमगाएंगे या फिर बल्ब की रोशनी से, क्योंकि स्वदेशी लाइट्स भी आई हैं और स्वदेशी दिए तो अपने ही हैं? मैं तो हर साल ही दिए ही जलाता हूँ, मैं लाइट्स प्रेफर कम करता हूँ। और दिवाली पर क्या कुछ खास करना चाहेंगे आप इस दिवाली? एज सच अभी तो कुछ प्लान ऐसा है नहीं, लेकिन होगा तो ज़रूर करेंगे कुछ। और हमारी ऑडियंस के लिए क्या कुछ सलाह आपकी तरफ से रहेगी? ऑडियंस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो भी स्वदेशी सामान है अपना ज़्यादा से ज़्यादा उसी पे फोकस करें और उसी को प्रेफरेंस दें, मेरे हिसाब से तो यही सलाह है सबके लिए। और नॉर्मल लोगों की जेबों पर कितना असर पड़ रहा है महंगाई का? त्योहारों के समय में कुछ ज़्यादा ही बजट बिगड़ जाता है लोगों का, तो नॉर्मल लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? भाई महंगाई तो है ही, जो भी है मतलब महंगाई तो है ही, लेकिन ये है कि मैं प्रेफर करूँगा कि लोगों से यही गुजारिश मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने पॉकेट के हिसाब से ही अपना खर्चा करें। वो ताकि मैम प्रधानमंत्री मोदी जी काफ़ी ज़्यादा इस बात पर जोर डाले हुए हैं कि वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट किया जाए, स्वदेशी सामानों को सपोर्ट किया जाए, तो इस दीपावली आप स्वदेशी सामानों को कितना प्रमोट करेंगे? मैं तो बहुत ज़्यादा प्रमोट करूँगी, बिकॉज आई फील कि जितना हम अपने मार्केट को वैल्यू करेंगे उतना फिर लोग और भी इसको बाहर के देश में वैल्यू करेंगे। जैसे कि मैं बाहर जब जाती रहती हूँ तो लोग पूछते हैं कि कहाँ का है, तो व्हेन यू से कि इट इज़ मेड अप ऑफ इंडिया तो दैट गिव यू अनलाइक डिफरेंट लेवल ऑफ प्राउड। एंड ऑफकोर्स हमें अगर हम अपनी मार्केट सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मुद्दा है कि अगर हम स्वदेशी सामान को प्रमोट करेंगे तो हम अपने देश को भी प्रमोट करेंगे। बाकी आप इस बार जैसे कि मार्केट में स्वदेशी लाइट्स भी आई हैं और दिए आए हैं, तो दिए और लाइट्स में से आप किसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे? सी आई विल गो फॉर दिया, और लाइक यू नो मेड अप ऑफ आर हैंड, एंड फिर उसका तो अलग ही मज़ा आता है मुझे वो। आई डोंट यू नो प्रमोट दीज लाइट्स, चाइनीज लाइट एट होम, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जब तक आप अपने हाथ से वो दिए को रखते हो तो वो एक अलग फील आता है। जैसे कि इस बार लखनऊ के साथ साथ देखा जाए दिल्ली एनसीआर समेत लखनऊ उत्तर प्रदेश में भी पोल्यूशन जो है ना वो काफ़ी पीक पर है, तो पोल्यूशन को लेके इस बार पटाखे वगैरह जलाने की क्या राय है इस बारे में भी?
See, I believe in like eco-friendly Diwali and there should be no patakas because it is danger for animals, surroundings and everything. So it's better, why to take a danger? It should be a peaceful Diwali. Yaar, mithai khao, game khelo. It should be like that. Please don't go for pataka Diwali. बड़ों में देखने को मिल रहा है, बच्चों में क्या राय है आइए उनसे भी जानते हैं। तो इस बार आप कितना स्वदेशी सामानों को प्रमोट करेंगे? जैसे कि बच्चे काफी ज्यादा पटाखे छुड़ाते हैं, तो आप क्या इस बार पटाखे वगैरह जलाएंगे? नहीं। पॉल्यूशन रोकने के लिए ये आपका कुछ अहम है कि आप कुछ नया करेंगे इस बार दिवाली में? मैं प्लांट्स लगाऊंगा, प्लांट्स में पानी डालूंगा जिससे कि पॉल्यूशन नहीं बढ़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपका क्या नाम है बेटा? युवराज यादव। युवराज की जो थिंकिंग है वो कितनी बदलती जा रही है। सिर्फ प्रधानमंत्री का जो असर है वो बड़ों पे ही नहीं बच्चों पे भी देखने को मिल रहा है कि इस बार पटाखों की जगह नहीं, इस बार प्लांट्स लगाए जाएंगे जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। जैसा कि आइए हम आपसे जानते हैं कि इस बार आप स्वदेशी सामानों को मैम कितना ज़्यादा प्रमोट करेंगी, कितने ज़्यादा मतलब किस तरह से इस बार की दिवाली मनाने वाली है? जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है, सभी से ये वो सिफारिश कर रहे हैं कि इस बार स्वदेशी सामानों को प्रमोट किया जाए। हम स्वदेशी सामान ही यूज़ करेंगे। अब हम बाहर वाली कंट्रीज़ को कोई भी प्रॉफिट नहीं पहुंचाएंगे, अपनी कंट्री को अपना सामान यूज़ करके प्रॉफिट पहुंचाएंगे। चलिए आप बताइए कि इस बार आप मैम इस बार कितना ज़्यादा स्वदेशी सामानों को प्रमोट करेंगी? बहुत ज़्यादा, 100%। अब तक आपने स्वदेशी सामानों में से क्या क्या लिया है और जनता से क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय साझा करिए। हम लोगों ने दिया वगैरह ले लिया है और गणपति जी की मूर्ति वगैरह लेना है, अभी लिए नहीं है। बाकी कोशिश कर रहे हैं कि यहीं की चीज़ें हम लोग लें जो हमारी स्वदेशी है, मतलब इको फ्रेंडली चीज़ों को यूज़ करना है। और पॉल्यूशन जैसे कि राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी में कितना, हाँ लोगों को बहुत कम मतलब यूज़ करना चाहिए कि आप लोग जो है पॉल्यूशन ना फैलाएं बहुत ज़्यादा। पटाखे वगैरह घर पे अगर बच्चे हो तो उन पे आपकी क्या राय है? पटाखे देखिए थोड़ा बहुत तो हर कोई लेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मतलब ऐसी चीज़ें लें जो मतलब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन ना क्रिएट करें जिससे कि लोगों को दिक्कत हो और हमें खुद दिक्कत हो। जैसे कि हम लोग इस बार स्वदेशी सामानों को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो इस दिवाली कुछ खास होना चाहिए, तो आप अपनी राय बताइए कि स्वदेशी सामान को कितना ज़्यादा प्रमोट करेंगे? पूरा क्योंकि हमारे भारतवर्ष में किसी भी सामान की ना ही कमी रही है, पुरातन काल में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। तो हमें ये आज कल और हमेशा अपने भारत को ही आगे बढ़ाना चाहिए और स्वदेशी हमें भी यूज करना चाहिए और दूसरों को भी प्रमोट करने के लिए कहना चाहिए। तो इस बार दिवाली पे आप कुछ क्या खास करने वाली हैं स्वदेशी सामानों को लेकर? स्वदेशी तो हमारे घर में ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिठाइयाँ हम अपने घर में ही बनाते हैं, मेनली खुद के बनाए हुए कपड़े भी पहनते हैं, तो खाना और पहनना दो ही त्योहारों में चीज़ें होती हैं, तो वो दोनों ही चीज़ें अपनी स्वदेशी ही करें। मैम से जानेंगे कि मैम की क्या राय है, क्योंकि युवाओं में आजकल ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों को युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी नीतियाँ आती हैं, तो आपकी क्या राय है? एक्चुअली मेरी ये राय जैसे कि स्वदेशी में हम लोग जैसे कि जो भी दिए हैं वगैरह होते हैं तो उनको यूज़ करें, इन द सेंस ऑफ जैसे कि जितनी भी चाइनीज़ लाइट वगैरह हैं, जितनी भी चाइनीज़ आइटम्स हैं, तो उनको ना यूज़ करके उनको बॉयकॉट इन द सेंस मीन्स कि उनको ना इतना यूज़ करें, प्रमोट करें हम लोग भी अपनी इंडियन जो भी चीज़ें हैं, इंडियन कल्चर हुआ जैसे कि, और जैसे कि जितनी भी चीज़ें जैसे कि दिया वगैरह है तो वो सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि जितने भी लोग पुअर पीपल हैं तो उनका भी उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा इंडिया में। बेसिकली मतलब स्वदेशी चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा जो लोग बहुत ज़्यादा। श्योर श्योर बिल्कुल मिलेगा। इस बार आप जनता से क्या कहना चाहेंगी कि उनके लिए आपकी तरफ से क्या कुछ खास मैसेज होना चाहिए? मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपनी इंडिया में जितनी भी चीज़ें आप उसको ज़्यादा प्रमोट करें इन कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल थिंग्स। जैसे कि त्योहारों पर हर बार कुछ ना कुछ नया ट्रेंड आता है, तो इस बार ट्रेंड को लेकर क्या कुछ नया आया है? अब की ट्रेंड को लेकर क्या है कि रेडीमेड साड़ी वगैरह बहुत चल रही हैं, पहले रेडीमेड कम चलती थी, अब रेडीमेड साड़ी, और अब की क्या है कि रेडीमेड का फैशन ज़्यादा हो गया, का जैसे कपड़ा पहले बिकता था आज जो है रेडीमेड ज़्यादा बिक रहा है, 80% रेडीमेड हो गया और 20% कपड़ा हो गया, पहले 80% कपड़ा होता था 20% रेडीमेड होता। इस साल मैंने देखा है कि मतलब जो है रक्षाबंधन से ही मतलब जो है त्यौहार जब भी आया है जो भी आ रहा है वो रेडीमेड का चलन ज़्यादा हो गया,
और रेडीमेड में प्लाजो है, पेंट वाले हैं और सब जो भी तीन चार तरह के नए बन रहे हैं सभी मतलब जो है चल रहे हैं। तो इस पर त्योहारों पे जैसे कि बीते साल के अपेक्षा इस बार त्योहारों पे क्या कुछ मार्केट का असर रहा है और आप लोगों का क्या कुछ कितना मुनाफा हुआ है, हम ये भी जानना चाहेंगे। देखिए मुनाफा तो हम लोग अभी जोड़ते नहीं हैं, मुनाफा तो हम लोग साल में ही मार्च में ही जोड़ते हैं कितना क्या है, मगर पहले के मुकाबले ठीक रहा है। अभी सेल भी पूरी क्लियर नहीं बता सकते क्योंकि अक्टूबर नवंबर की पूरी जब तक सेल नहीं आएगी सामने तब तक बता नहीं सकते कि क्या बढ़ोतरी हुई क्या घटा, मतलब जो है नवंबर के बाद ही पता चलेगा कि मतलब जो है क्या सेल का है। अगर महंगाई को लेकर बात करें कि कपड़ों पर कितना ज़्यादा GST के बाद टैक्स और इसका त्योहारों पर लोगों की जेब पर भी कितना असर पड़ेगा या आप लोग? देखिए GST से बल्कि व्यापारियों को हमारे हिसाब से तो आराम हुआ है। GST कपड़े पे 5% है और रेडीमेड पे 12% है और हमारे हिसाब से GST बहुत अच्छी चीज़ है। जो अगर ये लोग लाए हैं एक हम लोग के लिए टेंशन फ्री है क्योंकि हम लोग का 100% ईवे बिल से आता और हर एक का बिल बनता है तो इसलिए हम लोग को कोई वो दिक्कत नहीं है किसी चीज़। सर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से GST लगभग लोगों से ये सुना गया है कि GST बढ़ती है तो दाम बढ़ जाते हैं, वो कपड़ा जो पहले हमें कम दामों में मिलता था वो ज़्यादा दामों में मिलने लगा है और त्योहारों पर क्या कुछ मतलब कपड़ों में बढ़ोतरी हुई है, उनके रेट में बढ़ोतरी हुई है? नहीं, अब की त्योहारों में कोई कपड़े में बढ़ोतरी नहीं हुई है, कपड़े में वही रेट चल रहा है जो पहले था। हाँ प्याज व्याज जरूर महंगा हुआ है मगर इसमें कपड़े में कोई नहीं क्योंकि कपड़ा इतने लोग बेच रहे हैं, इतनी दुकानें खुली हुई हैं कि कपड़े का कोई वो नहीं है। पहले हुआ करता था कि कपड़े की शॉर्टेज होती थी, अब शॉर्टेज नहीं होती है। अब तो मैन्युफैक्चर एक से एक चीज़ें बना रहे हैं और बहुत अधिक मात्रा में बना रहे हैं कि अब उनको हम लोग को किसी बात की दिक्कत नहीं होती। अच्छा, स्वदेशी सामानों से मतलब ये भी कहना है लोगों का कि स्वदेशी सामान को जितना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है महंगाई से थोड़ी निजात मिल रही है, सरकार यही शायद कहना है? नहीं, महंगाई तो देखिए हर साल कुछ ना कुछ बढ़ती घटती रहती है, कभी डीजल के रेट बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, ये चीज़ तो एक जीवन में चलती रहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा व्यापारियों पे। और है थोड़ा बहुत तो महंगाई है मगर अब उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर ही रही है और हमारे हिसाब से ऐसा ही महंगाई नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं। महंगाई मतलब जो है ऐसी महंगाई नहीं है, महंगाई है मगर इतनी महंगाई नहीं है जितना आदमी मतलब जो है परेशान हो। और भाई महंगाई हो रही तो सैलरी भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि महंगाई। लेकिन अगर सर बात की जाए उन लोगों की जिनकी हुई ना ही सैलरी है और जो जैसे कि दिए बनाने पे दिवाली के त्यौहार पे जो लोग दिए बनाते हैं उनकी तो कोई सैलरी नहीं है और इस बार स्वदेशी की डिमांड है, तो आप इस बार दिवाली अपनी कैसे मनाने वाले हैं? नहीं, अब की जो दिए बनाने वाले हैं 2-3-4 साल से बहुत परेशान थे मगर पिछले साल से मतलब जो है जो दिए बना रहे हैं मोमबत्ती बना रहे हैं अब लोग काफ़ी उसको पसंद कर रहे हैं और तरह तरह के डिज़ाइन बना रहे हैं, तरह तरह के दिए बना रहे हैं जो आम पब्लिक जो है उसको खरीद रही है और बहुत सस्ते में बेचते हैं वो बेचारे मतलब जो है, और अब उनका भी भरपेट भरेगा मतलब जो है। तो सर इस बार आप अपनी दिवाली कैसे मनाना चाहेंगे और जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपने विचार तो हमसे साझा करिए। हम तो दिवाली जैसे मनाते हैं हर साल अब की भी वैसे ही मनाएंगे मतलब जो है, क्योंकि खुशियों का त्यौहार है और पटाखे हल्के फुल्के हम लोग चलाते हैं, पटाखे भी चलाएंगे, भैया दूज है, बहनों से टीका भी लगवाएंगे। वोकल फॉर लोकल पर आपकी क्या राय है? लोकल फॉर लोकल पे ये राय है कि पहले के मुकाबले जो है लोकल जो है माल काफ़ी बनने लगा है। जो दिवाली पे अब दिख रहा है पहले जो झालर आती थी सब चाइनीज़ ज़्यादा आती थी, अब जो है लोकल भी बनने लगी है। लोकल की जो क्वालिटी अच्छी है और ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, और जो चाइना का माल आता था वो कब ख़राब हो जाए कुछ नहीं पता चलता था, अब लोगों का चाइना वाले माल से ज़्यादा लोकल की तरफ ध्यान ज़्यादा जा रहा है पिछले साल के मुकाबले।
सर, आपकी राय जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। आइए जानते हैं और लोगों से कि मार्केट में के लोग क्या कुछ लेने आए हैं और क्या कुछ लेंगे, तो चलिए जानते हैं उनसे राय। तो जैसा कि मैम इस बार हमें ये देखने को मिला है कि स्वदेशी सामानों को लोग ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है कि स्वदेशी सामानों को सपोर्ट करें तो हम उससे गरीब लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे, तो आपकी क्या राय है? अरे गरीब लोग उनकल भी जो भी है वही सपोर्ट ज़्यादा ही तर अच्छा भी लग रहा है। तो इस बार आप दिवाली में क्या कुछ खास करना चाहेंगी, स्वदेशी सामान को आप जनता से अपने विचार साझा करना चाहेंगी? अपने विचार से क्या जो है वही जो चल रहा है वही चलेंगे। दियो से अपना घर जगमगाएंगी या फिर लाइटिंग से या फिर मेड इन इंडिया पर जाएंगी? जो है वो आजकल दिए से भी जगमगाया जाता है और लाइटर भी लगाई भी जाती है, दोनों भी इस्तेमाल भी हो रहे हैं इसमें। तो आज हमने जानी जनता की राय, महंगाई से लेकर वोकल फॉर लोकल तक, स्वदेशी सामानों तक हमने जनता की राय जानी है, जिस पर जनता ने बढ़ चढ़ कर अपनी इच्छा को रखा, अपने स्वभावों को रखा, अपने अंदर जो भी था वो उन्होंने सब कुछ बताया कि इस बार जनता क्या कुछ खास करने वाली है, इस त्यौहार के मौके पर स्वदेशी चीज़ों को कितना प्रमोट किया जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अनुरोध था उस पर जनता कितना अटल कर रही है, ये आज हमने देखा है। ग्राउंड जीरो पर आकर हमने इस सारी बातों को, इनकी आधारशिला को, इनके सच्चाई को जाना है जनता से। तो इस तब तक के लिए कैमरामैन विजय के साथ स्वप्निल यादव, प्राइम टीवी लखनऊ।